नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने के बाद अगले कुछ दिन राज्य में लोगों के लिए भारी पड़ने वाले हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज और कल दो दिन राज्य में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 जुलाई को राज्य में कुमाऊं के कुछ इलाकों में भारी बारिश के साथ तेज हवाओं की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं गढ़वाल में भी चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून और पौड़ी जिले में भारी बारिश से नुकसान की संभावना जताई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने लोगों के लिए अगले कुछ दिनों को भारी बताया है। दरअसल विभाग के अनुसार आज से अगले तीन दिनों तक भारी बारिश हो सकती है, जिसके चलते विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों को इस दौरान सतर्क रहने को कहा है। विभाग के अनुसार राज्य में कई जगहों पर भारी बारिश के साथ भूस्खलन हो सकता है, जिसके चलते विभाग ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने के साथ ही आसपास रहने वाले लोगों को खास हिदायत दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए मौसम विभाग निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य में 18 और 19 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। ऐसे में आकाशीय बिजली के साथ तेज बौछार की संभावना जताई गई है, जिसके चलते संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और चट्टान गिरने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में नालों के पास रहने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारी बारिश को लेकर सभी जिले के अधिकारियों को अलर्ट भेज दिया गया है, जिसके बाद जिलों में अब नदी नालों को लेकर भी मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही राज्य की बड़ी नदियों के आसपास भी निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।